बीच में विजय कुमार तोमर जी बैठे हैं, हमारे बहुत ही आदरणीय और सम्मानीय, इनका आरपीएफ में सब इंस्पेक्टर के अंदर चयन हुआ है। आपकी क्लास अपनी भी लगी, कैसे भी लगी, आपस में लड़ाई करते हैं एडवर्ब की, उसके बाद बात करेंगे पोजीशन ऑफ एडवर्ब की, ऐसी बात करेंगे जो आपने कभी कही होगी या कभी सुनी होगी, अगर ये कुछ सही से बंद हो जाए तो दरवाज कब हुआ है। अगला जो होता है वो एडवर्ब ऑफ प्लेस, वेरी गुड, शाबाश,
एडवर्ड ऑफ प्लेस क्या बताता है कि ताकि काम करना हुआ है, और अगला जो वर्ड है वो है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी, वेरी गुड। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है हाउ मैनी टाइम्स, कि काम कितनी बार हुआ है। कभी नहीं हुआ तो नेवर, हमेशा हुआ तो ऑलवेज, एक बार हुआ तो वंस, दो बार हुआ तो ट्वाइस, एक बार हुआ तो थ्राइस, चार बार हुआ थ्राइस, नहीं फोर टाइम्स, फाइव टाइम्स, मैनी टाइम्स, या गिन भी नहीं सकते, इन्यूमरेबल टाइम्स। इसके बाद कुछ और भी एक आधे डिग्री विग्री के होते हैं, वो चीजें आपको संडे की क्लास में बताएंगे। अब जो बात कर रहा हूं वो कर रहा हूं पोजिशन ऑफ एडवर्ब। यहां से बात शुरू करते हैं। अगर मैंने लिखा कि आई रेड द बुक यस्टरडे पीसफुली, I read the chapter या I read the book yesterday peacefully, इसका मतलब I read the chapter, ये वही active passive voice में एक छोटा sentence पढ़ते थे, एक subject होती थी, एक verb होता था और एक object होती थी। object किसे कहते हैं, जो word या verb का answer देता है उसे object कहते हैं। क्या या किसे का answer देने वाले शब्द object कहलाते हैं, जिसकी general placement verb के बाद होती है या preposition के बाद होती है। अगली बात जो इसके अंदर करते हैं, और ये feeling cozy कोई दिक्कत नहीं।10 बजे के बाद
10 बजे के बाद ये ग्रुप में अपलोड कर देंगे उस वीडियो को, यूट्यूब में अपलोड करूंगा, यूट्यूब पे अपलोड कर देंगे, लिंक दे देना बस, ठीक है, हम लिंक दे देंगे और वो जो है हम शेयर कर लेंगे 319 321 181 में और तमाम तरीके 50-60 बैच और भी बैठे। ग्यारह बजे तक मिल जाएगी और क्या चाहिए गंभीरता से रहिए प्लीज, पावनता बनाए रखिए क्लास, बाकी चीजों के लिए मांगे। हाँ जी, ओ बातें कम। अब इसके बाद मैंने लिखा कि पोजीशन ऑफ एडवर्ब क्या होती है। अगर आपके पास वर्ब सिंगल वर्ब है, यानी एक वर्ड का वर्ब है, तो उसमें कैसे बनेगी? आई स्पीक ऑलवेज द ट्रूथ, शी टेल्स नेवर ए लाई। तो बताइए क्या ये दोनों वाक्य सही है या गलत? दोनों गलत है, बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पर वर्ब कितनी है, सिंगल वर्ड की एक वर्ब है और ये ऑलवेज की पोजीशन इससे पहले आएगी, आई ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ। अगला जो बनेगा वो बनेगा शी टेल्स नेवर अ लाई, सो शी नेवर टेल्स अ लाई। सो आपके पास जो नेवर या ऑलवेज है ये किसको शो करते हैं? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। और अगर आपके पास वर्ब सिंगल वर्ड की है तो जनरली एडवर्ब्स आर प्लेस्ड बिफोर द वर्ब, एडवर्ब्स आर प्लेस्ड बिफोर द वर्ब व्हेन द वर्ब इज सिंगल वर्ड। अगर वर्ब एक ही शब्द की है तो आपके पास एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी या कोई भी एडवर्ब उससे पहले लगती है। आमतौर पर आपके पास किसी भी तरीके का जो मैनर होता है वो लास्ट में कंप्लीट करने के काम आता है, पीसफुली को कहने का बिल्कुल लास्ट में, क्योंकि ये पूरे के पूरे एक्शन को खत्म करने के बाद ही लगती है। लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो फ्रीक्वेंसी के लिए होते हैं या वे टाइम के लिए होते हैं, वो वर्ब से पहले या वर्ब के बाद कहाँ कहाँ लगते हैं, इसके ऊपर आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो ये तो आपने सिंगल वर्ब की देखी, अगर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाने की कोशिश करूं तो आगे बढ़ाने पर दो वर्ब की बात करूं तो आपके पास जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है, कृपया बोलना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसकी फॉर्मेशन कैसे बनती है? Has, have plus verb की third form। अगर मैं बोलूं तो ये कितनी verb है? एक। लेकिन एक verb में component कितने हैं? दो। पहला component जो कहलाएगा वो कहलाता है helping verb और दूसरा component जो कहलाता है वो कहलाता है main verb। और यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो अगर single word की नहीं रही है, कितने word की होगी verb? दो। कितने आदमी थे? दो। तो इसका मतलब है कि अगर दो सेंटेंस दो के हो तो इसका मतलब क्या, कहां पर आंसर लगेगा? अगर मैं कहूं शी रिसेंटली हैज डिलीवर्ड एन आउटस्पोकन एंड विटी रिप्लाई, शी रिसेंटली हैज डिलीवर्ड एन आउटस्पोकन एंड विटी रिप्लाई, A, B, C और नो एरर D। इस तरीके से एक क्वेश्चन बन के आ जाता है आपके पास, तो आपका आंसर क्या होगा? क्या इस सेंटेंस में कोई एरर है या इस सेंटेंस में नो एरर है? इस सेंटेंस में एरर है और वो है नो एरर नहीं है, ये पार्ट में एरर है। अब इस सेंटेंस इंप्रूवमेंट के अंदर ये अंडरलाइन करके पार्ट आ जाता है कि रिसेंटली हैज डिलीवर्ड को अंडरलाइन कर दिया गया और आपके पास चार ऑप्शन लगाए गए, ऑप्शन A, C, B और D। और इसमें जो बनाया गया has delivered recently, recently delivered या फिर has recently delivered और एक आ जाता आपके पास ऑप्शन नंबर D, no improvement। तो अब हमें ऊपर से पता है कि जो गिवन पार्ट है वो अपने आप में बिल्कुल गलत है, तो गलत है तो no improvement की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है और हमें करना वाक्य को बिल्कुल सही।
तो कैसे करेंगे? सबसे पहली बात समझ में आ रही है, रिसेंटली जो वर्ड होता है वो हाल ही की कंप्लीटेड एक्शन के लिए होता है, वो कभी भी पास्ट टेंस के लिए नहीं होता। तो यहाँ तो आपका रूल ब्रेक हो रहा है, यस और नो? टेंस के लिए हमने क्या पढ़ा था, रिसेंटली, लेटली, ऑफ लेट, ऑलरेडी, ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि पास्ट टेंस नहीं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब ऑप्शन देखने के बाद आप एलिमिनेट कर सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी भी आपके पास आंसर में नहीं आएगा। Now you have two options which has to be chosen, which has to be taken into account, either A or B. So एक अंदर लिखा has delivered recently और has recently delivered. तो आप ध्यान रखिएगा, पहली चीज आपने वो पढ़ा सिंगल वर्ब, अगर पढ़ रहे हैं डबल वर्ब हो या डबल से ज्यादा दो ज्यादा वर्ब हो, दो से ज्यादा तीन चार पांच कितने भी ऑक्सिलरी या कंपोनेंट्स हो, ऐसे में आपको क्या करना है, हमेशा ध्यान रखना है अगर क्वेश्चन बनने के लिए आगे जाती है या नेगेटिव बनने के लिए जो लगती है वो हमेशा कौन होती है, पहले वाली कौन होती है। तो इसका मतलब एडवर्ब भी लगेगा तो किसके साथ लगेगा, पहले वाले के साथ। पहले वाली कौन, तो इसका मतलब यहाँ पहले वाली कौन, यहाँ है ही एक पहले वाली हो या दूसरे वाली हो, एक ही है। तो इसका मतलब है अगर आपके पास ऐसे ज्यादा हो तो गलतियां है ना, हैज अ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है ना, खुदा की मेहरबानी है किस किस पर तरस है, मेरे पास चार चार, कोई एक को तरस है, अगला देखो हैज है, मतलब तो यही चाहिए चाहिए कमी नहीं है सर। अमन जी तो है जब यहाँ पर पहले वाले का काम कर रहा है और प्लेसमेंट ऑफ एडवर्ब कहेगी कि एडवर्ब की लोकेशन कहाँ पर जाएगी, है जब के बाद में। अक्सर स्टूडेंट्स इसको याद कर लेते हैं कि जब भी मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब होगी तो कहाँ लगेगी, बीच में, ऐसे याद मत करना। अच्छा फॉर्मूला ये रहेगा हैज अ प्लस एडवर्ब प्लस थर्ड फॉर्म, ठीक है जी। तो शी रिसेंटली हैज डिलीवर्ड नहीं आएगा, शी हैज रिसेंटली डिलीवर्ड आएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को मैं एक और फॉर्मेट में शो करके दिखा रहा हूँ। आप इसे कितने लोगों ने नाम सुना हुआ है, इंग्लिश में चैप्टर होता है एक्टिव पैसिव वॉइस, सुना हुआ है, आइए उसको प्रयोग करते हैं। इसको रद्द कर सकता हूँ, नहीं कर सकते, नोट कर लेते हैं हम, हाँ इतना आप नोट कीजिए। एक सेंटेंस में लिखा आई हैव कंप्लीटेड द टास्क और मैं इसमें रिसेंटली की पोजीशन तय करना चाहता हूँ और इस बार रिसेंटली की जगह मैं वर्ड यूज कर लेता हूँ लेटली। इसी का मतलब होता है, रिसेंटली का मतलब होता है लेटली। किसी तरह मैं आपको चुप कर पता है कि पहले वाले के बाद आएगा और ये आ जाएगा लेटली। अब इस लेटली को मैंने लगाया सर्कल और भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। अब मुझे बताओ ब्लैक पेन से जो लिखा हुआ है उसका पैसिव वॉइस कौन बना के लिखा है, रेज योर हैंड, से हाय बाय, हां जी शाबाश, ए हां मुकेश नाम है, ऐसा ही बने हो, यस लड्डू का हाय हाय, फिजिकल ऑर्डर के हाय, फिजिकल बाकी है सर, फिजिकल बाकी लड्डू आप फाइनल सिलेक्शन के बाद लोगे, भैया फिजिकल में हमारा कोई योगदान
क्रिकेट में हमारा योगदान था, अपने हमको पूरा का पूरा क्रेडिट देना हो, फिजिकल में भी अगर हमारा योगदान हो सर।
रोज नमस्कार होता होता बर्थडे तो पोजीशन नंबर वन, इसका मतलब आपको ये पता लग गया कि एक दो और तीन इसमें कितनी वर्ब थी टोटल, एक वर्ब सैंक्शन, लेकिन कंपोनेंट कितने थे तीन। जो लास्ट वाला होता वो क्या कहलाता है, मेन वर्ब। तो पहले वाला हेल्पिंग वर्ब नंबर वन, दूसरा क्या कहलाएगा, हेल्पिंग वर्ब नंबर टू। अगर ऐसा ही क्वेश्चन आपके पास ऑलरेडी लगाकर होता कि वो पहले से ही सैंक्शन कर चुके हैं, जैसे द प्राइम मिनिस्टर या द रिलीफ फंड has been already sanctioned by the PM. रुक जाए यार भाई, और ये स्ट्रिक्टली एडवर्ब है
और ये दोनों कहलाते हैं नेगेटिव एड्रेस, तो सीधे सीधे नेगेटिव वर्ड लिखे हुए। लेकिन इनके अंदर आपको समझना पड़ता है कि ये मुश्किल से कभी कभार की बात करें नेगेटिव इंप्रेशन के अंदर कर रहे हैं, तो इन सारे वर्ड्स के साथ थ्योरी ऑफ डबल नेगेशन लगेगी कि एक ही सेंटेंस में दो नेगेटिव नहीं हो सकते, इसका मतलब इन शब्दों के साथ नॉट का इस्तेमाल नहीं होगा। और अगर इस बात को मैं आगे बढ़ाने की कोशिश करूं तो शी हार्डली फाइंड नथिंग, दिखाई देती है लेकिन अंदर से कोई दम पानी ना हो।
भी भूल गए पहला स्लैश लगा हुआ था विजिट के बाद, दूसरा लगा हुआ था शी के बाद, और तीसरा लगा हुआ था लाइफ के बाद, और चौथा था नो एरर। और इसके अंदर जो एरर फाइंड आउट किया था वो नो एरर को नो वेयर को काट के एनिहिलेट किया था, और पार्ट संख्या बी में आपके पास आया। अब अगली बात, आप देख रहे हो छतें जितनी भी है अभी धूप में कितनी अगर मैं हूं आई। अच्छा, अब जो से इन्वर्जन ऑफ एडवर्ब्स है अप्लाइड, इसकी कंडीशन नंबर वन, अप्लाइड टू ओनली नेगेटिव और सेमी नेगेटिव एडवर्ब्स। The sentence remains general having the same meaning, having the same meaning despite the placement of the verb. Placement of the helping verb. ये सारी कहानी कैसे समझेंगे? सेट नंबर वन, सेट नंबर टू और सेट नंबर तीन, तीन तीन क्वेश्चन बनाएंगे। अगर मैंने लिखा आई नेवर टेल अ लाई, तो कितने बच्चे कहेंगे कि ये सेंटेंस ठीक है? तो सेंटेंस बिल्कुल ठीक है, टेल सिंगल वर्ब की है और उससे पहले और आज नेवर बिल्कुल सही है। अगर मैं इस नेवर को बाहर निकाल दूं तो क्या नेवर आई टेल अ लाई लिख सकते हैं? तो ये आंसर हो जाता है गलत। आपके पास इन्वर्जन ऑफ एडवर्ब ये कहता है कि एडवर्ब की अपनी पोजीशन या तो वर्ब के इधर उधर सेंटेंस के बीच में या सेंटेंस के लास्ट में एंड में होती है। अगर आप नेगेटिव या सेमी नेगेटिव एडवर्ब को इंसर्शन या बिगिनिंग या इंट्रोडक्शन के तौर पर पहले नंबर पर लेकर आते हो तो उसके साथ सब्जेक्ट नहीं आ सकता, क्योंकि एडवर्ब कभी नाउन और प्रोनाउन की विशेषता नहीं बताती, डेफिनेशन कहती है कि एडवर्ब वर्ब की विशेषता बताती है। तो इसका मतलब अगर मुझे इसको निकालना हो तो इसके अंदर छुपा क्या हुआ? अगर क्वेश्चन बनाना हो तो डू, क्या छुपा हुआ है? डू। क्या टेल बाहर आ सकता है? नहीं। इसका मतलब इसका नेगेटिव या इंटरोगेटिव बनाना हो तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का नेगेटिव या इंटरोगेटिव किससे बनता है? डू या डस। तो अगर सब्जेक्ट आई है तो डू लगेगा, अगर यहाँ ही शी इट नो वन नथिंग होता तो क्या लग जाता? डस लग जाता, बेसिक फॉर्म है। और यहाँ पर इस डू को हम आगे ले आएंगे और इसका मतलब ये हुआ कि नेवर की अपनी पोजीशन जो है वो अपने पास तो रहेगी, पर हे वर्ब जो पोजीशन तेरे पास है वो भी मेरे पास आ जाएगी। मेरे वाली मेरे पास और तेरे वाली भी मेरे पास, ये इसका मतलब है। और इसका जो राइट आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा नेवर डू आई टेल अ लाई, और ये बिल्कुल सेंटेंस सही बन जाएगा। और सेंटेंस अभी भी जनरल है, फुल स्टॉप वाला है। अगर ऑक्सिलरी वर्ब बाहर जाती तो क्वेश्चन मार्क बन जाता है, पर ऐसे क्वेश्चन में क्वेश्चन मार्क नहीं बनता, सेंटेंस अभी भी फुल स्टॉप का है। दूसरी बात, अप्लाइड टू ओनली नेगेटिव और सेमी नेगेटिव एडवर्ब, नेवर क्या है? नेगेटिव एडवर्ब। दूसरा, द सेंटेंस रिमेंस जनरल, अभी भी जनरल है। Having the same meaning, इसका और इसका दोनों का meaning बिल्कुल same है, despite the placement of the helping verb, और helping verb की placement होने के बावजूद। एक question मैंने किया आपके साथ, एक और पे यहाँ पे ध्यान रखो प्लीज, नहीं रख करूँगा जस्ट पर आप रख लो बस भगवान। डर गया। अगर मैंने लिखा She seldom
विजिटेड देयर। वह मुश्किल से ही वहां विजिट करती थी, यानी नहीं जाती। तो आप इस सर्डम को आगे उठाकर अगर लाओगे कि सर्डम शी विजिटेड देयर, तो अगर ये क्वेश्चन लिखा आ जाए तो ये आपके पास क्या हो गया, गलत है। अगर नेगेटिव या सेमी नेगेटिव एडवर्ब सीधा लेकर आओगे तो नहीं, वो अपने साथ उधार की वर्ब भी साथ में लेकर आएगा, क्योंकि वो कहता है मेरी पोजीशन जो दे रहे वो मेरे पास रहेगी, पर हे वर्ब मैं तेरी भी आधी पोजीशन को अपने पास समेट लूंगा, क्योंकि मैं वर्ब, क्योंकि मैं एडवर्ब हूं और एडवर्ब वर्ब की विशेषता बताता है, मीन्स नाउन प्रोनाउन ये ही सी की विशेषता नहीं कहानी समझ में। तो अब बात करते हैं इस विजिटेड के अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म है और नेगेटिव या इंटरोगेटिव बनाना हो तो कैसे बनता है, डिड लगता और डू डस डिड के बाद ऑलवेज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इसका मतलब बचा कुछ विजिटेड के अंदर क्या बचा हुआ है, डिड प्लस विजिट। तो कौन हिल्ड हो सकती है, ऑक्सिलरी वर्ब, कौन हिल्ड हो सकती है ऑक्सिलरी वर्ब, तो इसको भी यहां ले आएंगे और आपका बन जाएगा सेल्डम डिड शी विजिटेड या विजिट, विजिट देयर, और ये इसका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन पर और ट्राई कीजिएगा ताकि आपके हाथ बैठे इस चीज पर, और पेपर में आने वाला क्वेश्चन फिर चौथे तरीके से समझ में नहीं आएगा, ये अगले क्वेश्चन के लिए तैयार कर रहा है आपको, जहां पर ये सारी चीज अप्लाई करनी पड़ेगी एक साथ। अगला देखिए, अगला लिखता हूं मैं सैम। सैम विल स्कैसली हेल्प यू, सैम विल स्कैसली हेल्प यू। सो आप ये देख पा रहे हो कि यहां स्कैसली लगा, क्या इसकी अपनी पोजीशन ठीक है, नहीं बिल्कुल ठीक है। विल क्या हुआ, हेल्पिंग वर्ब नंबर वन, और हेल्प क्या हुआ मेन वर्ब, और जब भी आपके पास एक वर्ब एक एडवर्ब हो तो वो कब लगेगी, पहले वाली के साथ। तो पहले वाली कौन है, विल, तो साथ में क्या लग गया स्केर्सली, इसका मतलब ये सेंटेंस अपने आप में बिल्कुल सही है। बट आई इफ आई रिप्लेस द पोजीशन ऑफ स्केर्सली एंड टेक इट इनटू आउटसाइड, तो बताओ क्या स्केर्सली सैम विल हेल्प यू सही है या गलत है, क्या है गलत, क्योंकि इसके पास विल हेल्प है तो आपको पता है ये अपने पास से ऑक्सिलरी बुलाएगा, निमंत्रित करेगा, आकर्षित करेगा, हिप्नोटाइज करेगा, और कैसे जाएगी ऐसे। तो स्केर्सली विल सैम हेल्प यू, और ये सेंटेंस बन गया बिल्कुल सही। प्लीज आइए नंबर टू, सेट नंबर थ्री, अब सेट नंबर फोर देखिए। कोई बात नहीं, मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, जो लिखते जाए वो बनाते जाइएगा, नहीं तो मैं बना ही रहा हूँ। बदल क्या ना, हाँ ढंग से बनाना, बिल्कुल ऐसे तीर बना बना। किस किस ने ये लिखा है ये वाला डायलॉग, रेज योर हैंड। बच्चे हो यार तुम, तुम्हारी बॉन्डिंग को मतलब सारे टीचर डरते हैं पता है तुमसे, और एकदम इतने बैच के बच्चे हो, एक होता है सैंडम, एक होता है स्केसली, एक और क्या होता है, चलो एक रेयरली सुना मिनिस्टर में रहो ये एकदम से तुम जो चटकारा सा लेते हो कर लो तुम, और फिर मत करना देगा कुछ लिखते हो बिल्कुल एकदम जमीन से कार्य में हो जाए। आज बोला फजल द मिनिस्टर में कैबिल योर
पॉइंट्स नहीं कह रही के बीच में हार्डली अच्छा अब यहाँ पर क्वेश्चन ही आ जाए ब्रैकेट में कि हार्डली को प्लेस करो या फिर चार ऑप्शन आ जाए हार्डली में कैविल में हार्डली कैविल में कैविल हार्डली कैसा आएगा तो हार्डली एक एडवर्ब हो गया और एडवर्ब किसके साथ लगता है पहले वाले के साथ में मॉडल्स या ऑक्सिलरी बोलते हैं इसको भी और हार्डली यहाँ लगते हैं और ये सेंटेंस अपने आप में बिल्कुल सही अब बताओ हार्डली अगर बाहर आ जाए इनवर्जन ऑफ एडवर्ब हो जाए तो कहाँ आए कितने लोग बिना खाना पीने खाए हुए फास्ट है ब्रेकफास्ट नहीं किया इसलिए भारत में कुपोषण की समस्या नहीं है कहने के लिए होता है अगर यहाँ खड़े होकर पढ़ाना होता है बोलना भी होता है तुम्हारी के बाद उठे तुम्हारी का कितना बहाना बनाओगे एक महीना तो हो गया बहाना बनाना छोड़ दिया सबसे बड़ी हो रही भाई साहब अब देखो जी हार्डली अगर बाहर आया तो लिखा हार्डली द मिनिस्टर लिखो या मे लिखो अब डायरेक्ट बना लोगे ना हार्डली मे द मिनिस्टर कैविल योर पॉइंट्स और ये भी बिल्कुल सही हो गया दोनों के मीनिंग बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर में थोड़ा सा अंतर और पहला सेंटेंस जनरल सेंटेंस है और दूसरा इन्वर्जन ऑफ एडवर्ब के हिसाब से जनरल सेंटेंस है ठीक है दोनों के दोनों किससे खत्म हो रहे हैं पुलिस वर्ब से ठीक है अब आप मेरे से पूछ पाओगे कि सर कैबिल का मतलब क्या होता है कैबिल का मतलब होता है झूठे आरोप लगाना झूठे आरोप लगाना टू रेज इनसिग्निफिकेंट ऑब्जेक्शन insignificant objection या objections क्या पूछ रहे फीस मिली स्टूडेंट आप बहुत बढ़िया है अगर आपके मैं पोटेंशियल की बात करूं आपके पैशंस की बात करूं बहुत मार्वलस 30-40 साल यही पैशंस रह जाए फैकल्टी बन जाएगी 30-40 साल में कौन फैकल्टी सी एच एस एल का पेपर क्लियर मैंने पढ़ाना शुरू कर अभी तो मैं कह रहा हूँ आप मेरे थोड़े सीनियर हो आप 2 साल बड़े हो 23 साल के हो ना तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 पर आने से पहले आपको छोटी सी बात बता दूं हार्डली का ही मतलब होता है स्केर्सली बोलो जी हार्डली मतलब हार्डली अगर किसी क्लोज के साथ जुड़ेगा तो वो क्लोज नंबर 1 कहलाएगा और ये कभी कभी किसी दूसरे क्लोज से भी अटैच हो जाता है
और इन दोनों क्लोज को अटैच करने के लिए जो कंबाइनिंग वर्ड होंगे उन कंबाइनिंग वर्ड्स को क्या कहते हैं? कंजंक्शन। और ध्यान रखिएगा हार्डली या स्केर्सली के साथ जो कंजंक्शन यूज होता है वो या तो व्हेन यूज होता है या फिर बिफोर यूज होता है। लिखिए व्हेन या बिफोर। सो हार्डली या स्केर्सली के साथ इफ यू विश टू ज्वाइन टू क्लॉजेस देन यू मस्ट हैव टू यूज आइदर व्हेन और कौन कौन से? When और before। कम से कम तीन बार बोलेंगे। पहला when, दूसरा before, पहला when, before, before, when, 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 before, और नो सूनर के साथ वैन लगेगा या बिफोर कुछ भी नहीं लगेगा क्योंकि सून सूनर सूनेस्ट ऐसे याद रखो गुड गुड ऐसे याद रखो तो ये कंपैरेटिव डिग्री बन रही है या नहीं और कंपैरेटिव डिग्री के साथ क्या लगता है टी एच ए एन ध्यान रखिएगा नो सूनर के साथ अगर एक क्लोज दूसरे क्लोज से कंबाइन हो रहा है तो टी एच ए एन लगेगा और पूरे के पूरे पेपर के अंदर एक बड़ा सा स्टेटमेंट बनाएंगे और टी एच ई एन लिखकर छोड़ देते हैं। आप सोचते प्रिंटिंग मिस्टेक होगी बेचारे छोड़िए गलती निकाल देते टी एच ई एन ठीक है जी। तो यहाँ पर ये दो नियम लिख लीजिए और यहाँ पर ये जो देन काम कर रहा है किसका काम कर रहा है? कंजंक्शन का। यहाँ जो व्हेन या बिफोर काम कर रहा है किसका काम कर रहा है? कंजंक्शन। ठीक प्रश्न क्रमांक एक आप स्क्रीन पर ये रहा अगर मेरे याद आए तो सबसे पहले देखिए जब हार्डली और हार्डली स्केर्सली के साथ व्हेन या बिफोर यूज करते हैं तो उसका मतलब होता है मुश्किल से ऐसा काम हुआ ही था कि ऐसा हो गया या ऐसा हो रहा था कुछ ऐसी बात। और जब दूसरी बात के तौर पर आप नो सोनर या देन का इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब होता है ज्यों ही क्यों ही। हिंदी में कहते हैं जैसे ही वैसे बहुत मतलब बहुत तगड़ा दिमाग चाहिए इन चीजों के। क्वेश्चन नंबर वन आपकी स्क्रीन पर यो रहा और इसमें बताइए कि ये त्रुटिहीन क्यों है? त्रुटिहीन मतलब ये एररलेस क्यों है? और यहाँ बच जाएगा केवल एंटर। तो
गलती कौन से पार्ट में हो गई? ए पार्ट में गलती। एक और क्वेश्चन कराऊं सेम? यस सर। सेम का क्या करोगे? सेंटेंस बदल देता हूं। सेम तो वही है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेम एंड सिमिलर? सेम तो कौन सा मिलता जुलता सिमिलर और कौन हुबहू नहीं इतना नहीं पता। देखो मैं अभी आपको पता होगा एक तो चार साल के थे या सात साल के थे दो सगे भाई थे छह साल मार दिए रैमसन के चक्कर में या पता नहीं क्या 40 रुपए के चक्कर में और केवल उनकी गलती ये थी कि जिन्होंने पकड़ा था वो ट्यूशन टीचर से लेके पूरी एक साथ लोगों की एक चैन थी और उन्होंने ये पूछ लिया लास्ट में उनको मार पीट के और बुझाने के बाद कि अब तुम्हें छोड़ रहे हैं अगर अगली बार हमें तुम्हें तुम दिख जाओ तो हमें पहचान लोगे। इतने मासूम थे बोला हाँ जी पहचान लेंगे। उन्होंने सोचा पहचान लेंगे खत्म कर सगे भाई जन्म भी साथ हुआ मृत्यु भी साथ हुई और एक ही शैया के ऊपर ऊपर लिखा पढ़ते होंगे ये सब सारी चीजें आ रही और पिछले 7-8 दिनों में भारत जो है राष्ट्रवादी भी हुआ है। स्पेशली विल शी कैप्चर द थीफ व्हेन दे Scarcely will she capture the thief when they start stealing. इसके अंदर हल्का सा GIP भी डाल दिया मैंने। हल्का इतनी दूर से तुम देख पा रहे हो नहीं देख रहा मैं अज्यूम करना पड़ता है कुछ नहीं खा अभी खा सकते अभी खा अभी दिख रहा है सर। हाँ जी इसमें कोई एरर है क्या है? क्या है? देखो जी फ्यूचर में चल रहा है और एक सेंटेंस में दो फ्यूचर नहीं आते। नॉट टू फ्यूचर कैन कम टुगेदर व्हेन देयर इज अ कांसेप्ट ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। तो बार की लें अच्छा कोई बात एक सेंटेंस इफ आई विल कम यू विल गो। अगर मैं आऊंगा तो तुम जाओगे या अगर मैं आता हूं तो तुम जाओगे इफ के साथ क्या लगता है? इफ आई कम यू विल गो। तो जिसमें भी कंडीशनलिटी रहती है वो प्रेजेंट टेंस रहता है और जो फिर उसका इंपैक्ट पड़ेगा वो उसका फ्यूचर में रहता है। जब मैंने फ्यूचर यहाँ यूज कर दिया तो ये सिंपल प्रेजेंट रहेगा। स्टार्ट स्टॉप वगैरह कुछ ऐसी वर्ब होती है जिनके साथ फिर से कोई वर्ब आए तो फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी रहता है। पढ़ा रखा जीआईटी के अंदर ये सुनो। अगली बात स्कैर्सिटी का मतलब हो गया मुश्किल से और स्कैर्सिटी के साथ भी क्या यूज होता है व्हेन या बिफोर मैंने क्या यूज कर रखा है व्हेन स्कैर्सिटी के बाद मैंने शिंदा शी लिखा या शी विल Thank you.
चलिए, कितने लोगों को ट्रांसलेशन में गलती आती है, मतलब ट्रांसलेशन नहीं हो पाती है किसी सेंटेंस की? से हाँ जी, हिंदी बताओ, हिंदी होती नहीं, खड़े होकर अभी होगी। नो सूनर हैड शी कम इन माय हाउस, अपने ऊपर लेके पढ़ दे, दिखाई नहीं दे रहा तो मैं सुनाई तो दे रहा होगा, चला आंख नहीं होता कान तो है, कान बोले कान। अगला देखो, नो सूनर हैड शी कम इन माय होम देन हर मदर टेलीफोन है, तो मैंने लिखा नो सोनर के साथ क्या लगेगा बच्चा, देन टी एच ए एन, टी एच ए एन, और यहाँ ताल को है टी एच ई एन, तो गलती कौन से पार्ट में है, मी पार्ट। अब इसकी हिंदी बताओ, कोई बात नहीं, देखो खड़े हो रहे में प्रॉब्लम हो रही, बैठ जाओ, बैठने में प्रॉब्लम हो रही है, यहाँ जाओ। अगला देखो, नो सोनर हैड शी कम, जो ही वो मेरे घर आई थी क्यों ही उसकी माँ ने फोन करके उसको बुला लिया, हिंदी हो क्यों नहीं हो पा रही है, नो सुनर देन कॉल क्यों ही क्यों ही। अब इस सेंटेंस को बनाओ, हैड शी कम इन माय हाउस, कम का मतलब आना, कौन आई, शी कहाँ आई, माय मेरे घर, हर मदर टेलीफोन है और उसकी माँ ने उसको टेलीफोन दिया, तो कॉल है, तो इनवाइट है तेरे पापा जी तो इस तरह की सेंटेंस है। क्वेश्चन नंबर चार, यही क्वेश्चन आते हैं पेपर, नो इंप्रूवमेंट है, ए ए आंसर पता नहीं, ए बी सी डी फिर बाकी, ए आंसर छह बच्चों का है, बी एस सी में से आ रहा है क्या, नहीं किसी का आंसर आ रहा है, नहीं कर रहा है तो होगी
देखो कुछ भी नहीं है, इसका लिखा हुआ है डिड। तो डिड के बाद डू डज डिड के बाद कभी भी सेकंड फॉर्म नहीं आती, फर्स्ट फॉर्म आती है। तो ये और ये तो नहीं है, नो इम्प्रूवमेंट की कोई संभावना नहीं है। ठीक है, लग रहा है कि नो इन्वर्जन ऑफ एडवर्ब का क्वेश्चन, लेकिन टेंस से ही हो जाए। दूसरा क्या लिख रखा है, डिड, और डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म है, और एंड से पहले फर्स्ट फॉर्म है, और एंड के बाद भी फर्स्ट फॉर्म है, पैरेललिज्म भी हो गया, यानी ये हो सकता है। और दूसरा क्या लिखा है, हैड, has, have, had के बाद always verb की third form होती है, and hence and familiarity नहीं आएगा, option number भी नहीं है। अब आप कहोगे सर do, does, did, she के साथ do आता है, does, does, और do, does, did के साथ first form और first form, यानी C answer भी आपके पास आ सकता है। तो इस question के कितने answer हो गए, दो, either A या C, लेकिन paper में आ गया और उसका right क्या माना जाएगा, ये तो आपने ऑप्शन है, ए माना जाएगा या सी, कौन सा बढ़िया लग रहा है, कौन कह रहा सी कॉन्सेप्ट, यहाँ से कॉन्सेप्ट नहीं लगाया गया, यहाँ से लग हो जाएगा। तो ये देख चुनौतियों से थोड़ी ना परेशान, तो आप ये आगे देखो ये क्या लिखा हुआ है, टुक, एक टुक, दो टुक, भारत ने दो टुक कहा, किसके लिए, टेक। तो अगर सेंटेंस पास्ट में चल, तो टेक की टुक बना तो वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी पास्ट में जा रहा है, तो ज्यों ही का त्यों ही पास्ट में जा रहा है, तो उसका ज्यों ही कहां गया होगा, वो भी पास्ट में गया होगा, तो इसका त्यों ही पास्ट में जा रहा है, ज्यों ही भी पास्ट में जाएगा, और इसलिए आपका आंसर क्या आ जाएगा। ठीक है, ओके, आगे समझ में, ये होता है भैया इंग्लिश। ठीक है, पेपर यहाँ से आ जाएगा, ये तो वो है जहां से आज तक पेपर आया, आगे जाना है आपको, चल चल आगे चल, चलो एक बार थोड़ा सा रिफ्रेश हो जाओ, बातचीत कर रहे हैं, एक मिनट का टाइम। सीजीएल टीयर टू 2013 का एक क्वेश्चन देंगे, बड़ा मुश्किल क्वेश्चन आया था, आपकी बुक में पेज नंबर 183 बोलते हैं इसको, इसके अंदर प्रश्न क्रमांक 35 दिया हुआ, कोई करवा रहा हूँ रेफरेंस दिया हुआ, सब पूछा गया। सेंटेंस की शुरुआत है स्केर्सली से, तो देखते ही पता लगना चाहिए कि पहली बार तो इन्वर्जन ऑफ एडवर्ब लगेगा, और दूसरा स्केर्सली और हार्डली अपने साथ क्या रखते हैं वो याद होना चाहिए, कब देखते जाना जी क्वेश्चन को। स्केर्सली हेड के बाद ए ऑप्शन बना के स्लैश लगा दिया, उसके बाद द फंक्शन लिख के स्टार्ट डेट लगा दिया, अब देखते जाओ जी सही है या गलत है इतना, और उसके बाद क्या किया, देन इट बिगेन रेनिंग, और ये फुल स्टॉप लगा दिया, तो बताओ नो इम्प्रूवमेंट छाती फाड़ फाड़ के कौन कह, अब बताओ अच्छा 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 लग रहा है, अच्छा सॉफ्ट सॉफ्ट लग रहा है, अब खाली ये देखो हेड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म बिल्कुल सही है, हेड अंदर या बाहर, बाहर बिल्कुल सही है, स्केर्सली के बाद जो कंजंक्शन चाहिए वो कौन सा चाहिए, देन चाहिए या फिर बिफोर चाहिए, अपने को देन नहीं चाहिए, एरर इस पार्ट पे हो गया, सी हो जाएगा जी क्वेश्चन, इसको बोलते हैं एडवांस, टाइम तो खराब नहीं किया आपका, देखो अब 10 मिनट करता हूं। अब देखो एक बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन 2011 के अंदर टीयर 2 के अंदर ही पूछा गया सीजीएल के अंदर, और ये भी क्वेश्चन नंबर आपके पास 40 नंबर क्वेश्चन इसी पेज पर लिखा हुआ है,
इसमें बच्चों से गलती ये हुई कि एरर तो निकाल दिया पर इस हेलो हेलो हाँ जी देखो यहाँ पे नौ सुनर ऐसा नहीं मेरी बोलती बंद होगी मैं मुंह नहीं लगना चाहता नौ सुनर डेट द टीचर खाली मेरे को इतना सा बता देना केवल और केवल एरर निकालने के बाद एरर बी में है या सी में ना ए नहीं मिलेगा क्योंकि सावधानी से एक बार पढ़ लो बस आप अपना थोड़ा सा मन दे दो मेरे ख्याल 10-20 मिनट और रही होगी 20-25 मिनट होगी बस है ना या फिर नो एरर पे कितने लोग नतीजे पर पहुंच चुके हैं बिल्कुल सही जवाब सबसे पहली बात आपको क्लोज नंबर वन का पता लग गया कि पहला काम हो रहा है जो ही तो टीचर क्लास में एंटर किया था त्यों ही बच्चे खड़े हो गए क्लासरूम ठीक है सो ये काम कर रहा है क्लोज नंबर वन और ये काम कर रहा है क्लोज नंबर टू तो बताओ देन जो होता है टी एच ए एन लगेगा या टी एच ई एन तो इसके अंदर आपके पास देन मिसिंग है नॉन सुनर के साथ हमेशा क्या आता है टी एच ए एन देन अब वो लगेगा कहाँ ये पता होना चाहिए अगर ये सेंटेंस यहाँ फुल स्टॉप लग जाता तो देन की और अगले क्लोज की जरूरत ही नहीं थी दूसरा क्लोज लगा तभी तो देन लगा तो देन किसके साथ लगा दूसरे क्लोज के साथ तो टी एच ई एन किसके साथ ऐड होना है सी पार्ट में क्या हो गया है तो ऐसे क्वेश्चन के अंदर बच्चों को कंफ्यूजन ये हो जाती है कि आर आर बी में है या सी गलत तो नहीं बताया मुश्किल से वो गया ही था कि मुझको उसका नाम याद आ गया मुश्किल से वो गया ही था कि मुझको उसका नाम याद आ गया इंग्लिश बनाओ आया और क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 आपके बुक में लिखा हुआ है सीजीएल के पीरियड 2 में 2016 में पूछा गया क्वेश्चन सारे क्वेश्चन वही है सब आए हुए क्वेश्चन सारे क्वेश्चन की जाए क्वेश्चन था स्केसरी हैड ही गोन स्लैश नंबर ए टी एच एन देन आई रिमेम्बर स्लैश बी पार्ट पे और हिज नेम के ऊपर दावा ठोक दिया सी ने और ये हो गया नो एरर पार्ट डी बताओ एरर है नो एरर एरर है क्या एरर है ए में स्केसरी या हार्डली के साथ में व्हेन यूज होता है या फिर देन यूज एरर किसमें अब बताओ इन्वर्जन ऑफ एडवर्ब किसके कितने लोगों को समझ में आया थोड़ा ये था इसके ये सारे करियर के क्वेश्चन कर जब हैं ये पढ़ाने के लिए बुलाया था नहीं सच में मेरे को जो पढ़ाना था वो सच में नहीं पढ़ाया मैं ये पढ़ाना मैं भी कल क्लास आती हूँ 12:30 के आसपास कल चली मेरे क्यों वोकैबुलरी करते हैं करें भैया तो अभी तक शायद सर आपको पढ़ा रहे थे और आप डॉक्टरों का आपके डॉक्टर साहब मेरा और डॉक्टर साहब पढ़े लिखों के लिए लगे तो अच्छा है ना डॉक्टर चलो आज आपकी क्लास के अंदर से उदाहरण निकालता हूँ और वहीं से पढ़ाना शुरू करता हूँ
अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, लिखना कम समझना बेहतर इस 20 मिनट में, और वो कह मैं तो क्या चाहिए खाली माहौल, और वो अपन बना सकते। एक वर्ड होता ब्लू, और इसके आगे लिखा हमें, और इस आई का थर्ड फॉर्म बनाया आई, और ब्लू आई ये एक एडजेक्टिव होता है और एक इडियोमेटिक फ्रेज होता है। और ब्लू आई थी, ब्लू आईज कर दिए हैं तो देख ले भाई साहब कान में कर रहा है हेलो ये जरा फोटो ले लो, जब वीडियो बनने लग रही है। और इसका मतलब होता है नाउन के तौर पर, पहला एडजेक्टिव के तौर पर नीचे लिखेंगे, नाउन के तौर पर अ पर्सन हु इज फेवर्ड बाय ऑल, हु इज फेवर्ड बाय ऑल, जो पर्सन सभी के द्वारा जिसको क्या दिया जाता है, फेवर दिया जाता है। आप में से कौन लोग स्टूडेंट्स में से मानते हैं कि इस बच्चे को ज्यादा फेवर देते हो? तो हम अरबाज को ज्यादा फेवर देते, क्यों? फ्लेवर नहीं का और इसी ब्लू व्हाइट का मतलब होता है फेवरेट। क्या मतलब होता है? हु इज योर ब्लू आइड सिंगर अरबाज? राहत फतेह अली खान, बहुत बढ़िया चॉइस है, आई अप्रिशिएट योर चॉइस। अगर मैं पूछूं हु इज योर ब्लू आइड क्रिकेटर ऑफ इंडिया, बैट्समैन ऑफ इंडिया? धोनी। सचिन। बुरा था तो बीमार। और इसके तौर पर जो फेवरेट होता है, फेवरेट को ही बोलते हैं प्रेफर्ड। क्या बोलते हैं? प्रेफर्ड। अब मुझे आप बताइएगा प्रेफर्ड की स्पेलिंग क्या होती है? PREFER, ये तो खाली फर्स्ट फॉर्म में हो गया, ED, LED, क्या हो जाएगा? लाल। प्रेफर्ड क्या हो जाएगा? प्रेफर्ड, R डबल R में कन्वर्ट होता है। और इसी को बोलते हैं पेट। क्या बोलते हैं? पेट। ठीक है, पेट का मतलब केवल पालतू ही नहीं होता, एडजेक्टिव के तौर पे पेट उसे भी बोलते हैं जो आपका पसंदीदा जो होता है, फेवरेट होता है। एक होता है पेट नेम और एक होता है पेन नेम, एक होता है पेट नेम और एक होता है पेन नेम। सो या एक वर्ड होता है डब्बी, डब्बी डब्बी नहीं छोटी गोल ब्लैक डब्बी, डब्बी डब्बी का मतलब कितने लोग बता पाएंगे? हाँ अजय बताना। अच्छा दोस्त यार को और क्या क्या कहते हैं? डब्लू। चलो जिस नाम से आपको आपके दोस्त बुलाते हैं उसको बोलते हैं पेट नेम। क्या बोलते हैं? पेट नेम।
गर्ल्स एक बार आपसे बात करते हैं, ये बॉयज से बात करते हैं। आप में से कितने लोगों ने आपस में निक नेम रख रखे हैं? तो ये जो पंक्ति होता है ये एक्चुअली आपका वही निक नेम होता है, लेकिन निक नेम तो जो होता है वो आपका बड़े नाम को छोड़ कर दिया जाए तब बनता है निक नेम, और उसी निक नेम में से कुछ और चीज उसका डिराइव कर दिया जाए। जैसे किसी का नाम अगला देखिए पेन नेम क्या होता है, पेन नेम, और एक होता है आपके पास एक होता है सीडोनिम, क्या होता है सीडोनिम। सो अगर मैं नीम कहता हूँ तो नीम का मतलब सिनोनिम या एंटोनिम के अंदर नेम को ही रिप्रेजेंट करता है, और अ फॉल्स नेम इज नोन एज सीडोनिम। गलत नाम का प्रयोग करना, आप अपने कई बार इस तरह के कुछ होता है कि पकड़े गए पुलिस के अंदर, हाँ जी आईडी दिखाओ, नहीं है जी क्या करते हो, नहीं जी सिंगे क्या नाम है जी भैरव सिंह से करो वो तो मर गया, तो दूसरा ना हो सकता नाम का, वो मर गया तभी तो तुम्हारे पास नाम चढ़ा, उसका आधार कार्ड लेके घूमे। ऐसे ही होता है तो पेन नेम, पेन नेम वो होता है अ नेम यूज्ड बाय राइटर, अ नेम यूज्ड बाय राइटर्स। राइटर्स कई बार अपना कुछ पेन नेम रख लेते हैं, जैसे ये तो पुराना है, और इसे भी पुराना जाओ तो आपने देखा होगा ठीक है, इस तरह का कोई भी नाम हो, सूर्यकांत त्रिपाठी और इन्वर्टेड कॉमा में क्या लिखते थे निराला, उपनाम से जाना जाता है इन सभी को, उपनाम। लेकिन ये सारे के सारे उपनाम का कॉन्टेक्स्ट सबका अलग अलग होता है, ठीक है जी। राइटर के तौर पर जिसका भी हो जो यूज किया जाता है। आप कभी भी अगर हिंदी नॉवेल्स पढ़ने के इच्छुक हो तो आप राजा पॉकेट बुक्स के टाइगर के नॉवल पढ़कर देखना, अगर आपको खुफिया जानकारी लेनी है, बहुत बढ़िया बढ़िया इनके नॉवल्स होते हैं। इनका एक नॉवल बहुत बढ़िया प्रचलित हुआ था मॉल ऑफ खुशी, और एक उनका नॉवल यूज हुआ था गुरु घंटाल, और एक और था वर्दी वाला गुंडा, और एक जो चौथा मूड नॉवल था उसके ऊपर तो बहुत बड़ा केस भी हो गया था, मेरा मुंह बोला पति अगली बात, अगले वर्ड के तौर पर अगली जो बुक का वर्ड जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो है BLUNT, ब्लंट, बोलना है। ब्लंट के सामान्य तौर पर दो अर्थ होते हैं, एक पहला और एक, पहले वर्ड के तौर पर ऐसा वर्ड होता है जो प्रसंग बड़ा डायरेक्ट होता है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, या फिर बिल्कुल फ्रैंक होता है, जो इधर उधर बात नहीं करता, बेशक आपको बात बुरी लगे अच्छी लगे लेकिन बेबाक होता है, स्पष्टवादी होता है, उसको क्या बोलते हैं ब्लंट। और ऐसे में ब्लंट का ही एक इडियम बनता है, और वो बनता है स्ट्रेट फ्रॉम द शोल्डर, स्ट्रेट फ्रॉम द शोल्डर। और ये वही चीज है जो मैं वोकैब के बैचेस के अंदर अक्सर करवाता हूँ, चलो वाले सेशन डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड फ्रैंक स्ट्रेट फ्रॉम द शोल्डर, और इसी को बोलते हैं पॉइंट ब्लैंक। वैसे पॉइंट ब्लैंक सिचुएशन किसको बोलते हैं, बिल्कुल करीब नहीं, जीरो डिस्टेंस, जीरो डिस्टेंस, माथे पर गोली रख के टक कर देना,
और किसी को ऐसे ही बात करना, बिल्कुल आमने सामने बात करना, तो चोर है और चोर है। तुम बहुत दूसरों को ग्रंट का मतलब होता है, आपने चाकू सुना है, चाकू क्या होता है? चाकू एक प्रकार का हथियार होता है या औजार होता है? दोनों होते हैं, बहुत डबल साइडेड होते हैं चाकू, वो होता है दो धारी तलवार। मैंने कटारी मैं सिलाई, अगला देखिए तन मन भलचा नर्म सुहार निष्कुल हूं का जब दिल से चलो दे। तो अनपॉइंटेड हैविंग एंड अनपॉइंटेड और राउंडेड ADGES हैविंग एंड अनपॉइंटेड और राउंडिंग एज। अगर चाकू शार्प है तो चीज कटेगी, और चाकू धारदार नहीं है तो पक्का क्या होगा, वो ब्लेड। तो ब्लेड का दूसरा अर्थ होता है जब चीजें शार्पनेस जिसकी यूज हो गई हो। अब यहाँ से एक क्वेश्चन आया CTS के अंदर, कराऊंगे देखिएगा। Nobody cares for the bluntness of the opposition these days. इसके अंदर जो underline word किया है वो है bluntness. और bluntness का आपको find antonym of the underline word contextually. संदर्भ के आधार पर आपको इस अधोलिखित वाक्य का जिसमें लाइन खींची गई है इसका आपको क्या बताना है, एंटोनिम बताना है। तो directness, sharpness, conspicuity या categorical. वो छोड़ दो, सी या डी में से आंसर आ रहा है, कितने लोगों का आ रहा है सी या डी में से आंसर, दोनों गलत है। देखो ब्लैंकनेस, नेस लगा के क्या बन जाता है नाउन, और एन लगा के चीजें क्या बनती है एडजेक्टिव। तो क्या नाउन का सिनोनिम एंटोनिम एडजेक्टिव हो सकता है या सेम पार्ट ऑफ स्पीच होना चाहिए? तो आंसर डी तो बिल्कुल नहीं आया, ठीक है। दूसरा वर्ड मैंने सी ऑप्शन देख लो, कॉन्स्पिक्युटी। वर्ड किससे बना है? कॉन्स्पिक्युअस से, और कॉन्स्पिक्युअस कॉन्स्पिरेसी से नहीं बना, कॉन्स्पिक्युअस वर्ड ऑब्वियस एविडेंट या लूसिड से बना है। जो चीज बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रही हो, कॉन्स्पिक्युअस सिचुएशन, कॉन्स्पिक्युअस एग्जांपल, कॉन्स्पिक्युअस इलस्ट्रेशन। हाँ, और कॉन्स्पिक्युअस का जो नाउन बनता है वो बनता है कॉन्स्पिक्युटी। लेकिन आप ये देख पा रहे होंगे ब्लंट का एक मीनिंग होता है डायरेक्ट, तो डायरेक्ट का क्या बन जाएगा, डायरेक्टनेस।
और एक बार बनता है राउंडेड एज और इसका बन जाएगा नॉन शार्पनेस। तो इसका जब एंटोनिम बनाओगे तो डायरेक्टनेस का क्या बनेगा? इनडायरेक्टनेस। और इसका बनाओगे तो क्या बनेगा? शार्पनेस। पक्की बात गलतू तो इसका सिनोनिम क्या बन रहा है? डायरेक्टनेस। अगर ब्लंटनेस है अपोजिशन की, इसका मतलब वो तीखी बात कर रहा है या विभाग बात कर रहा है। लेकिन अगर यहाँ पर नाइफ का एग्जांपल दे देता तो नाइफ की ब्लंटनेस क्या कहलाएगी? शार्पनेस या नॉन शार्पनेस? नॉन शार्पनेस कहलाएगी। शार्प नहीं होता वो एंटोनिम हो जाएगा ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको कर लेंगे। इसके अंदर जो ऑप्शन था वो ऑप्शन नंबर ए में से गलत लिखा गया, इनडायरेक्टनेस होना चाहिए था पहले। इसका आंसर अब बताओ, ए या बी में से चूज करना हो तो क्या आएगा? तो डायरेक्ट का तो इनडायरेक्ट और इसका शार्प का नॉन शार्प। तो शार्पनेस भी एंटोनिम बन रहा है और इनडायरेक्ट भी एंटोनिम बन रहा है। लेकिन ऑपोजिशन का शार्पनेस की बात हो रही है, उनके तेजपन की बात हो रही है, उनकी एक और वर्ड होता है तेजपन के लिए एक्यूमन, ये इसी को बोलते हैं एक्विटी, A-C-U-M-E-N, acumen, या A-C-U-I-T-Y, acuity, और इसका मतलब होता है sharpness of mind, या mental power, मस्तिष्क की जो तेजपन होता है उसके लिए यूज होता है। आप किसी को अगर ये तो पढ़ाते हैं तो उसके लिए you are praising for his acumen or acuity, ठीक है। तो यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से इनकी शार्पनेस की बात नहीं हो रही, इनकी ब्लंटनेस की बात हो रही है। और ब्लंटनेस का उल्टा जो बन जाएगा डायरेक्टनेस, यानी इनडायरेक्टनेस की उल्टा घुमा फिरा के आरोप लगा रहे हैं। अभी पिछले दिनों देखा होगा कि जनवरी में ऐसा लग रहा था कि सरकार मोदी तो नहीं बनेगा, लेकिन अब पूरा देश ये कह रहा है अब मोदी ही बनेगा, है ना। मतलब वो राफेल पाफेल सब खत्म हो गए। अब 16